ये जिसने बोली है कि बहुत पानी कब दोगा, बहुत बिजली कब दोगा, मन नहीं बेरो है। जानो नहीं जानो, मैं जानो कि तारा जन्मदिन 13 मई है। कल आज हुआ खत्म ही होगी जी। ओहो चलो, लेकिन अस्पताल में दाखिल हुई, 80% काम हो गया। 80% काम हो गया सर, बूस्टर चालू हो गया। तो ये कैसे कह रहे हैं कि अभी चालू हुआ? सर पानी नहीं, एक मिनट, 1% काम चालू होने हो गया, 2 दिन पाइप पाक दिए सर। मैं नहीं बंद क्यों करेंगे, बंद करेंगे तो फिर ये नहीं है। मैं नहीं, शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। आज के इस कार्यक्रम को हमने कहा है जन संवाद, और जन संवाद और रैली में थोड़ा हमारे जो सिक्योरिटी के लोगों को अंतर समझना चाहिए। जन संवाद आपसी बातचीत होती है, बहुत नजदीक बैठ के होती है, और इन्होंने तो ऐसे एक मील दूर बैठा दिया, मैं किससे बात करूंगा। ये जो कोने में लोग बैठे हैं या जो पीछे खड़े हैं, बैठे वाले बैठे रहो, जो पीछे खड़े अगर बैठना चाहें तो यहाँ आ जाओ। ये जो मीडिया के लोग बैठे ना यहाँ अधिकारियों के आगे, ये आ जाओ, बैठना है तो ये आ जाओ, और सिक्योरिटी वाले दूर हो जाओ, अपने आप बैठेंगे। ये मेरे बहुत गांव के प्यारे मित्र हैं, मेरा अपना गाँव है, कोई कठिनाई नहीं है मुझे, कोई समस्या नहीं है इनसे। थोड़ा पीछे ये स्टैंड थोड़ा पीछे कर लो, पीछे कर लो, बस थोड़ी जगह रखते हैं, आपको आके बोलना चाहेगा अधिकारियों में से बोल लेगा। ये जगह तो उनकी थी, अंदर ही आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, इतना आगे भी नहीं, इतना आगे भी नहीं। अब आप बताओ नौकरी वाली बात, पहले ये नौकरियां नहीं मिलती थी क्या? पहले मिलती थी, लेकिन सर मेरिट के आधार पर मिलती है। पहले क्या करना पड़ता था? पहले पर्ची और खर्ची थी जी। क्या करना, पर्ची खर्ची तो एक शब्द है, करना क्या पड़ता था? पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, सिफारिश के लिए घूमना पड़ता था दूर। तो सिफारिश और पढ़ाई, बिना पढ़ाई के काम हो जाता था? और भी कुछ हो जाता था, सिफारिश से ही हो जाता था। लोगों से सुना सर हो जाता था, लेकिन अब हमने खुद आंखों से देखा, मेरे गाँव में सिफारिश के अलावा कुछ नहीं, पैसे लगते थे सर। पैसे कितना पैसा देना पड़ता था? इतना सारा, इतना सारा देना पड़ता। अभी भी पिछले 8 साल में किसी की नौकरी लगी हो, किसी रिश्तेदार की या किसी की अपनी लगी है, पड़ोसी के लगी है, यहाँ बता सकते हैं? इतने सारे लोग, ये जो आप बताओ पीछे, ये लाल को पड़ रही पीछे हाथ खड़ा, हाँ आप पड़े पड़े जाओ। नमस्कार सर, सर मैं अंतर होल्डर हूँ और मेरे को ग्रुप डी में ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद सर मैं इस बात से स्टेटिस्फाई नहीं कर रहा कि आफ्टर ऑल सर पिछले 4 सालों से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, जबकि सीटी है वो मैंने कहा जिसकी लगी है वो बताए मुझे पहले, लगने के बावजूद भी हम स्टेटिस्फाई नहीं कर रहे सर। लगने के बाद बताइए आपकी समस्या है, अलग सुनेंगे। जिनकी ठीक ठाक लगी और कुछ नहीं करना पड़ा वो बताओ। अरे माइक दे। नमस्कार सर, मैं नाम राजेश कुमार है जी, पंचायत समिति मेंबर हूँ, और धन्यवाद सर कि आप यहाँ पे आए। और मेरा भाई है जी, स्पोर्ट्स में भर्ती हुआ है जी, 4 साल की वेटिंग के बाद भी क्लियर हो गया, तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं आएगा। अब हो गया कुछ कुछ पैसा वैसा देना लेना, 2 साल से बढ़िया नौकरी कर रहे हैं जी, पलवल के अंदर, पलवल नौकरी कर रहा है, पावल के अंदर रेवाड़ी के अंदर, यानी वेटिंग में 1 साल के बाद उठाकर रद्दी की टोकरी में डालते हैं, लेकिन हमने 2 साल की वेटिंग के बाद भी, 4 साल की वेटिंग के बाद भी उसको नौकरी दे दी है। और किसके नौकरी मिली हो जो इस प्रकार से? हाँ बताओ। मेरे गांव बरोखा में 32 आदमी इस सरकार में डी ग्रुप में और इंस्पेक्टर से लेके पीएन तक लगे, और सारे बिना किसी पैसे दिए। मेरा गांव बरोखा है जी,
मैं बाकियों को तो नहीं बताता, खरे का गांव में मेरी जानकारी में 59 नौकरियां लगी हैं, इसमें 20 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो हैं हरियाणा सरकार की हैं, 59 नौकरी एक गांव। और अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो 8,500 नौकरियां लगी हैं जिले में, 8,500 थोड़ा करते थे पीछे पीछे, पैसे लुट जाते थे फिर भी नहीं लगते थे, फिर पीछे पीछे दौड़ते थे मेरे पैसे दिलवाओ जी, पैसे दिलवाओ जी, किस बात के कि मेरी नौकरी नहीं लगी जी, सौदेबाजी भी होती थी। लेकिन हमने कहा अगर ये बेईमानी से अगर नौकरी कोई लेगा तो बाद में उससे ईमानदार अफसर की उम्मीद कर सकते हैं क्या? अगर कोई पैसे दे के नौकरी लगेगा वो ईमानदार रहेगा? और दूसरा काम आप क्या बता रहे थे? ज्ञापन दिया भाई ओटू की झील का पानी जो मिट्टी है वो 8-10 लाख रुपए पर एकड़ का सरकार को मिल सकता है और फार्मरों को झील मिल जाएगी पानी के वास्ते, स्टॉक वास्ते। आपके पास जाते ही आपने वो ओटू की मिट्टी बेचने का काम किया, वो बहुत अच्छा किया, पब्लिक के लिए किया, उठा रहे हैं ना लोग, आपका धन्यवाद उठा रहे हैं ना, उठा लेंगे आदमी तो कल उठा लेंगे। कहा कि भाई ये मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, अगर खेत में डालेंगे तो खाद का काम करेगी और कहीं नीचा खेत होगा ऊंचा भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको ओपन कर दिया। हाँ जितना खर्चा आता है वो खर्चा तो डिपार्टमेंट ले लेगा लेकिन आपको उठवा देगा। ऐसे एक नया काम हमने और किया है, सभी सरपंचों को चिट्ठी लिख दी है कि आपके यहाँ तालाब अगर भरे हुए हैं उन तालाबों को खाली करा लो, पैसा उसका तेल का इसका उसका या तो गांव अपने आप खर्च करे, नहीं तो सरकार करेगी, दिक्कत नहीं उसकी। साथ में उसमें जो गाद होती है वो गाद भी ऐसे ही खाद का काम करती है। किसानों को हमने कहा कि गाद भी उठाकर अपने खेतों में डालो, दोनों काम हो जाएगा, तालाब साफ हो गया और खेतों में क्या खाद मिल गया। किसी से भी मिला था हाँ। कि हमें आप 6-6 घंटे बिजली देते हो हाँ। तो पानी उससे खराब होता है, तो क्यारी दो मरले रह गई तो दोबारा कट लग गया तो वो दोबारा भरना पड़ता है, फसल भी खराब है, बिजली भी ज्यादा लगती है। आप हमें 3 दिन से 12 घंटे बिजली दे दो, दिन में दे दो, ताकि फार्मर एक साथ दे दें। हाँ एक साथ, ताकि फार्मर जाके खेत में हरा पट्टा भी ले और पानी भी लगा ले। रात को बिजली देते हो, ये फार्मर बैठे हैं कितना ओखा पानी लगता है ये दो लगाते हैं उसी। अच्छा ये बताओ कि इस गांव में या आसपास के गांव में ये सोलर के पंप ये कितने लगे हैं, लगवाए किसी ने? हाँ बताओ पीछे सोलर के पंप 25-30 लगे होंगे, वहां तो कोई समस्या नहीं बिजली की? श्रीमान जी सोलर का पंप तो मैंने खुद भी लगवाया हुआ है, पर उनकी जब कंप्लेंट करते हैं 4-4 दिन सुनवाई नहीं करते कंपनी वाले। अच्छा तो आपने वो यही कहते हैं 24 घंटे में संपर्क करें, 4-4 दिन उनको फोन ही करते रहते। अच्छा इस कंपनी की शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत कहाँ करें, कंपनी वाले नहीं सुनते ऊपर। आज लिख के लाए हैं? नहीं वो नहीं लिखते, लिख के लाओ, लिखने वाली और बहुत है जी, वही सुनवाई कर दे रहा है। आज दे दो भाई, आज दे दो, रखो अभी बट आपके यहाँ एक महिला जिसने अपना इलाज कराया है चमेली मंगलाराम, अब मंगलाराम उनके पिता का नाम है या पति का नाम है, है कोई नाम चमेली? कौन है चमेली है? आपके बताओ भी कौन है? पति जी वो है जी। अच्छा उसका इलाज हुआ? इलाज के बाद खत्म ही होगी जी। ओहो चलो लेकिन अस्पताल में दाखिल हुई? पैसा तो नहीं लगा? पैसा नहीं लगा, बीमारी तो ज्यादा ऐसी होगी कोई है हाँ। लेकिन नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरा बेटा है गौरव 7 साल का हाँ। अभी दूसरे महीने में वो जल गया था सर। उसका इलाज? हाँ जी उसका इलाज अच्छे से हुआ है। कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं हाँ। अब इसको भी 40,000 रुपए की बचत हुई। एक कोई यहाँ इंद्रपाल सनोफ श्रवण कुमार है कोई? इंद्रपाल श्रवण कुमार का है? हाँ जी। चलो आपको मैं बधाई दे दूं? किस बात की? मन्ना के बता दिए। मैं बताऊं आज थारो जन्मदिन है। अच्छा
क्या क्या तुमने लिखा तुम्हारे कागजों में? राशन जन्म का जन्म की तारीख क्या लिखी हुई है? जानो नहीं जानो मैं जानू कि तारा जन्मदिन 13 मई है। ठीक है, आपको बहुत बधाई। ये प्रोजेक्ट जो है 2,14,00,000 का, ये भी अब शुरू हो गया तो जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सारे काम में ब्लॉज ही पाइप है, ये तो दो तीन साल यहाँ पे गांव में ढहरे पुरानी पाइप है। अच्छा, गांव में अभी कहीं कहीं कई गलियों में डलवा रहे हैं जी, पूरे गांव में डलवाओ जी। नहर का इसका ट्यूबवेल का अलग अलग करवा दिए पानी। ठीक है, आप लिख कर दे दो हमको, अब इस काम को करा देंगे पूरा। सर इसमें 80% काम हो गया, 80% काम हो गया सर, बूस्टर चालू हो गया। तो ये कैसे कह रहे हैं कि अभी चालू हुआ? सर पानी नहीं आ रहा, 1% काम चालू होने हो या 2 दिन पाइप दिए। सर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, बता दो क्या जाके देख लो। आप जो 80% बता रहे हैं इसमें क्या क्या काम हुआ? सर इसमें एक तो टैंक बना है, ऐसे टैंक बना है, और एक बूस्टिंग स्टेशन बना है, और एक 5.5 किलोमीटर पाइप लाइन लगनी थी, 3 किलोमीटर लग गई, 2 किलोमीटर अभी पाइप चालू है काम। खर्चा तो टैंक पर भी बड़ा होता है, आप समझते हो टैंक का तो हमें क्या करना है, हमें तो पाइप लाइन, जब तक गाँव में पानी ना हो तब तक कुछ नहीं हुआ। तो पाइप लाइन लग रही है और टैंक का खर्चा ज्यादा होता है पाइप लाइन से। हाँ, टैंक बन गया, पाइपलाइन डल रहा, तो वो फिर पानी भर के आने में देर नहीं लगेगी। अभी चालू किया है तो 2.25 करोड़ का काम है ये। कितना इसमें से पैसा लग गया? इसमें से लगभग 80% काम हो गया था। एक ऐसे पैसा कितना लगा उसमें से हिसाब लगा लूंगा मैं। हाँ पैसा बताओ कितना लगा आपका? नहीं नहीं बंद क्यों करेंगे, बंद करेंगे तो फिर ये नहीं है। मैंने ऐसे जैसे माइक पर एक बोला ना, माइक पर एक बोला, और मैं घोषणा करता हूं यहां से, घोषणा करता हूं कि हम जनता की आमदन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आमदन बढ़ जाए ताकि लोग स्वाभिमानी हो करके माथा ऊंचा करें, सीना चौड़ा करें। और एक तो तरीका होता है हाथ यो रखना, मैं गरीब हूँ गरीब हूँ दे दो दे दो दे दो। एक है कि आमदन बढ़ा करके आदमी जरा आगे बढ़े और मुफ्त की मांगना छोड़ दे। दोनों में से कौन सी बात ठीक, कौन सी बात ठीक? आमदन बढ़ जाए, मुफ्त मांगना तो ठीक नहीं है, नहीं है ना? तो जो ये मुफ्त मुफ्त की बात करते हैं इनको सबक सिखा दो। हमेशा इस तरह हाथ रखना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जिसने ही बोली है कि मुफ्त पानी कब दोगा, मुफ्त बिजली कब दोगा, अरे भगवान से ऐसा मांगो कि हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा कमाई करें, और जो थोड़ा बहुत खर्चा सरकार का आता है वो तो जाप ही का है, आप इन्हें भरना है, इसे में जाना, इसे में निकलना। ये दुनिया भर का जो पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार की फैक्ट्री नहीं है कोई भी, ये आप इसे ले लेते हैं।